हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल प्रॉब्लम्स। अब इस लेक्चर में हम एक नया प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि 7 ट्रक्स आर फिल्ड इक्वली फ्रॉम अ गैसोलीन टैंक। यानी कि टोटल ट्रक्स की अगर मैं बात करूं, तो वो हमारे पास कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, वो कहता है कि आर फिल्ड इक्वली फ्रॉम अ गैसोलीन टैंक, यानी कि हमारे पास एक बड़ा टैंकर है गैसोलीन का, और उसमें से हमने क्या करना है कि 7 ट्रक्स हमने भर लिए हैं, एंड वन बाय थ्री ऑफ गैसोलीन इज स्टिल इन द टैंक, और 1/3 पोर्शन जो है गैसोलीन का वो अभी भी हमारा जो टैंकर है बड़ा उसमें पड़ा हुआ है। अब वो कहता है द कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक इज वट पार्ट ऑफ द टैंक। अब वो कहता है कि जो अमाउंट आपने भर ली है उसके अंदर, अब वो 7 ट्रक्स में कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, बेसिकली हमने ये मालूम करना है। अब देखिए, इस तरह के हमने जब क्वेश्चंस करने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एज अ होल जो हम फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 1 ले लेते हैं। अब अगर इसमें से 1/3 पार्ट जो है वो लेफ्ट है, द गैसोलीन स्टिल इन द टैंक, ये वो पोर्शन है कि गैसोलीन स्टिल इन द टैंक। अब अगर ये वाला पोर्शन जो है गैसोलीन का जो कि टैंकर में पड़ा हुआ है, तो कितने पोर्शन यूज़ हुआ है, तो फिर वो आपको पता है कि 2/3 पार्ट जो है वो यूज्ड हो चुका है, या फिर आप कहें कि वो फिल है। ठीक है, क्यों मैंने ये 2/3 लिया? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 1/3 प्लस 2/3 करती हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू 3/3 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। देखिए, मैथमेटिक्स में जब हम आगे मूव करते हैं तो पिछला स्टेप उसमें रिकवर होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2/3 पोर्शन वो लिया जो कि फिल्ड था, और 1/3 हमारा जो कि अभी भी गैसोलीन टैंक में पड़ी हुई है। ठीक है, अब आगे मैं लिखती हूँ, नाउ फॉर फाइंडिंग, यानी कि अब हमने देखना है कि नाउ फॉर फाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक, यानी कि कितनी हर ट्रक की कैपेसिटी है जिसमें ये 2/3 पोर्शन फिल्ड है। तो जाहिर है कि 2/3 अब टैंकर का अगर पोर्शन यूज़ हुआ है तो वो 7 ट्रक्स में यूज़ हुआ है, तो मैं कहूँगी कि 2/3 इज़ डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 2/3 पोर्शन जो है वो अमंग 7 ट्रक्स हमने क्या किया है, यूज़ किया है। यानी कि मैंने जैसे यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि मींस 2/3 ऑफ द ऑयल फ्रॉम अ टैंक इज़ डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 टैंक्स, और उसको हम इस तरह से शो करेंगे कि 2/3 7 टैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2/21, यानी कि हर ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 2/21 पार्ट है टैंक का। ठीक है, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू सो मच।